नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रीट एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों मौर्य युगीन कला। मौर्य युगीन कला को हम कई भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों। अगर अशोक मौर्य युगीन कला की अगर हम बात करें तो स्तूप निर्माण कला, स्तंभ निर्माण कला, गुहा निर्माण कला और मौर्य साम्राज्य के बड़े बड़े राजा प्रसाद जो है मौर्य युगीन कला के विशिष्ट नमूने माने जाते हैं विद्यार्थियों। रीट एग्जाम और आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक है विद्यार्थियों। तो देखिए इस वीडियो में पहला है मौर्य युगीन कला। मौर्य युगीन कला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए भव्य राज प्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के ही हमें भव्य राज प्रसादों का उल्लेख मिलता है और मैगस नीज ने तो अपनी इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को एटना के सूसा से भी महान महल बताया था। किसने बताया? मैगस नीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसादों को एटना के सूसा से भी महान बताया था। इसके अलावा अशोक के महलों को फाइयान ने देवताओं के महलों के समान बताया। किसने? फाइयान जो कि चीनी यात्री था, फाइयान जो कि भारत की यात्रा पर आया था और फाइयान ने अपनी विदेशी यात्रा विवरण में ये लिखा है कि अशोक के जो महल है वो कैसे हैं, देवताओं के महलों के समान थे। अशोक के जो महल है वो हमें बुलंदी बाग पटना के निकट बुलंदी बाग से मिलते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल है राजा प्रसाद है वो हमें पटना के निकट कुम्भहार नामक स्थान पर प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को मैगस नीज ने एटना के सूसा से भी महान बताया है और अशोक के महलों को फाइयान ने देवताओं के समान महलों के समान माना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल है वो पटना के निकट कुम्भहार नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जबकि अशोक के महल पटना के निकट बुलंदी बाग से प्राप्त होते हैं। अशोक के महल पत्थरों से निर्मित थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के महल लकड़ी से निर्मित थे। ध्यान रखना, अशोक के महल पत्थरों से निर्मित थे जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के महल लकड़ी से निर्मित थे। ये हुआ मौर्य युगीन कला के भव्य राज प्रसाद के नमूने जो कि मौर्य युगीन कला को दर्शाते हैं। मौर्य युगीन कला का दूसरा नमूना है विद्यार्थियों स्तूप निर्माण कला। स्तूप निर्माण कला क्या था कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित और महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर अर्धचंद्राकार आकृति में एक उल्टी कटोरी नुमा जो आकृति बनाई जाती थी विद्यार्थियों, उसी को क्या नाम दिया गया? स्तूप का नाम दिया गया। और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेषों पर अर्धचंद्राकार आकृति जो बनाई जाती थी, उल्टी कटोरी नुमा जो आकृति बनाई जाती थी, जिनकी आकृति मिस्र के पिरामिडों के समान थी, पिरामिड नुमा जो आकृति बनाई जाती थी, कौन सी नुमा? पिरामिड नुमा जो आकृति बनाई जाती थी जो कि अर्धचंद्राकार थी और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेषों पर बनाई जाती थी, उसे ही हम स्तूप कहा जाता है। और स्तूप दक्षिणी भारत में बौद्ध भिक्षुओं के लिए पत्थरों को काटकर
जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जहां पर बौद्ध भिक्षु बैठ करके पूजा करते थे, उनको चैत्य कहा गया। तो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल क्या कहलाए? चैत्य। और चैत्यों का निर्माण दक्षिणी भारत में बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर किया जाता था। उसके बाद आता है विद्यार्थियों, अंड या गर्भ। आपने स्तूप पढ़ लिया विद्यार्थियों। स्तूपों में जो ये अर्धचंद्राकार जो आकृति है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता था, इसको कहा गया विद्यार्थियों अंड या गर्भ। क्या कहा गया? अंड या गर्भ कहा गया, ठीक है। अर्धचंद्राकार जो सबसे आंतरिक भाग होता था, सबसे आंतरिक भाग होता था, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं की के चिन्हों को रखा जाता था, वो ही कहलाता था क्या? अंड या गर्भ। अंड या गर्भ के ऊपर एक चौकोर नुमा जो आकृति बनी हुई होती थी, उसको नाम दिया गया हर्मिका। क्या नाम दिया गया विद्यार्थियों? अंड के ऊपर जो चौकोर नुमा आकृति थी, चौकोर नुमा जो आकृति थी, उसको नाम दिया गया विद्यार्थियों हर्मिका। हर्मिका के ऊपर अंड या गर्भ से लेकर के हर्मिका से निकलते हुए जो छड़ नुमा जो आकृति होती थी, इस छड़ नुमा आकृति को कहा गया छत्र एष्टि। क्या कहा गया? छत्र एष्टि, छड़ नुमा आकृति। छड़ नुमा आकृति जो होती थी, इसको नाम दिया विद्यार्थियों छत्र एष्टि। छत्र एष्टि के ऊपर क्या रखा हुआ होता था? एक कलश रखा हुआ होता था। इस कलश को नाम दिया गया विद्यार्थियों वक्ष स्थल। क्या नाम दिया गया? वक्ष स्थल। जो कमल नुमा आकृति, कमल नुमा ऊपरी हिस्सा होता था, उसको नाम दिया विद्यार्थियों क्या? वक्ष स्थल। उसके बाद आता है मेघी। अंड गर्भ के चारों ओर जो प्रदक्षिणा पथ होता था, गर्भगृह के चारों ओर जो प्रदक्षिणा पथ होता था, उसको नाम दिया गया विद्यार्थियों मेघी। क्या नाम दिया गया? मेघी का नाम दिया गया। इसके बाद जो है मेघी के बाद जो है इसके चारों ओर मेघी के चारों ओर मेघी के चारों ओर जो रेलिंग होती थी, मेघी के चारों ओर जो रेलिंग होती थी, इस रेलिंग को नाम दिया गया वैदिका। क्या नाम दिया गया विद्यार्थियों? वैदिका नाम दिया गया। और वैदिका के दोनों तरफ जो आधार स्तंभ होते थे, उनको नाम दिया वैष्टनी। क्या नाम दिया गया? वैष्टनी का नाम दिया गया। और इसके बीच में जो मुख्य द्वार होता था, बीच में जो मुख्य द्वार होता था, इसको नाम दिया गया विद्यार्थियों तोरण द्वार। क्या नाम दिया गया? तोरण द्वार, जो कि प्रवेश द्वार होता था। वैष्टनी आधार स्तंभ होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अशोक के काल या मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण किया जाता था विद्यार्थियों। कैसे किया जाता था? जो अर्धचंद्राकार आकृति, पिरामिड नुमा आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेषों पर जो बनाए जाते थे, उनको स्तूप कहा गया। स्तूपों का निर्माण दक्षिणी भारत में चैत्य के रूप में किया जाता था, जहां पर बौद्ध भिक्षु अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। उसके बाद जो स्तूप का सबसे आंतरिक भाग होता था, उसको अंड या गर्भ कहा जाता था। अंड या गर्भ के ऊपर एक चौकोर नुमा पत्थर रखा जाता था, जिसको हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका के बीच में से एक छड़ निकाली जाती थी, जिसको छत्र एष्टि कहा जाता था। और इस छत्र एष्टि के ऊपर एक कमल नुमा घड़ा या कलश रखा जाता था, जिसे हम ने क्या नाम दिया? वक्ष स्थल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमने देखा कि अंड के चारों ओर जो
प्रदक्षिणा पथ था उसको मेघी कहा जाता था। मेघी के चारों ओर जो रेलिंग होती थी उसको वैदिका कहा गया। वैदिका के आधार स्तंभों को वैष्टनी हमने कहा और इनके बीच का जो प्रवेश द्वार था उसको हमने तोरण द्वार के नाम से जाना जाता था। तो ये हुआ आपकी स्तूप निर्माण कला और भव्य राज प्रसाद मौर्य काल स्तंभ निर्माण के लिए भी जाना जाता है और स्तंभों के ऊपर कई लेख भी लिखे गए, ये आपने पढ़ा भी है। तो देखिए स्तंभ निर्माण की जो कला है विद्यार्थियों वो हमने ईरान से सीखी है और हमारे जो स्तंभ बने हैं वो चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभों का निर्माण भारत में मौर्य काल में किया गया था। मार्शल और स्मिथ कहते हैं कि स्तंभ निर्माण कला ईरान जैसी ही है, लेकिन विद्यार्थियों भारतीय स्तंभ कला और ईरानी स्तंभ कला में कई फर्क हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें भारतीय स्तंभ कला की भी जानकारी हो जाएगी और हम ईरानी स्तंभ कला से अपने भारतीय स्तंभ कला में अंतर को भी समझ पाएंगे। वो कैसे देखिए मौर्य स्तंभ और ईरानी स्तंभ में क्या फर्क है। देखिए मौर्य स्तंभ विद्यार्थियों सुंडाकार आकृति में होते हैं, ऊपर से कैसे होते हैं सुंडाकार आकृति में होते हैं, जबकि जो ईरानी होते हैं वो समतल होते हैं। कैसे होते हैं विद्यार्थियों समतल होते हैं। मौर्य कालीन जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से निर्मित किए गए, एक ही पत्थर का उसका उपयोग किया गया है, लेकिन जो ईरानी है उसमें कई पत्थरों को जोड़ करके इसका निर्माण किया गया है। ये सपाट है बिल्कुल और ये क्या है नालीदार है, इसमें क्या बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के पत्थरों को जोड़ने से इसकी आकृति कैसी होती है नाली नुमा होती है। इसके बाद देखिए मौर्य स्तंभ जो है वो कैसे थे स्वतंत्र थे, स्वतंत्र मतलब इनके ऊपर छत नहीं होती थी, जबकि ईरानी स्तंभ कला की अगर हम बात करें तो वास्तु भवन में महलों में राजा प्रसादों में भवनों में जो है स्तंभों का निर्माण किया जाता था, जबकि मौर्य युगीन स्तंभ जो है बिना छत के होते थे, स्वतंत्र होते थे, सपाट होते थे। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है कि जो मौर्य स्तंभ मिले हैं उनमें अवांगमुखी कमल की आकृति ऊपर देखने को मिलती है, अवांगमुखी कमल की आकृति इन स्तंभों में हमें देखने को मिलती है, जो जिसके ऊपर एक घंटाघर लगा हुआ होता था, पत्थर की चौकी उसके ऊपर रखी हुई होती थी और इस पत्थर की चौकी पर विभिन्न प्रकार की पशु आकृतियां हमें देखने को मिलती है। तो आपने देखा मौर्य स्तंभ का निर्माण जो है एक तो क्या होते थे एकाश्मक पत्थर से इनका निर्माण होता था, अवांगमुखी कमल के समान इनके ऊपर आकृति थी, उसके ऊपर एक चौकी रखी जाती थी और उस चौकी के ऊपर विभिन्न पशुओं की आकृतियों को दर्शाया गया है। इसके अलावा सुंडाकार इनकी आकृति होती थी, ये किसी वास्तु भवन का हिस्सा नहीं होकर अलग से स्तंभों का निर्माण किया जाता था और इन स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार के लेख भी लिखे गए हैं। विद्यार्थियों देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेख आता है सारनाथ का स्तंभ लेख। विद्यार्थियों सारनाथ का स्तंभ लेख भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें चार पशुओं का चित्र है, हाथी अश्व सिंह और वृषभ, इन चारों पशुओं की आकृतियां हमें सारनाथ के स्तंभ पर देखने को मिलती है। बीच में अशोक चक्र है जिस पर 34 तिल्लियां मौजूद है, कितनी तिल्लियां मौजूद थी 34 तिल्लियां मौजूद थी, जिनमें से 24 तिल्लियां वर्तमान में 12 या 13 या तिल्लियां जो है अभी वर्तमान में मौजूद है और इस सारनाथ के स्तंभ पर जो अशोक चक्र है उसको हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तो सारनाथ का स्तंभ में जो कलाकारी है वो किसी भी स्तंभ में देखने को नहीं मिलती। ऐसे तो हमारा सांची का स्तंभ भी है,
वहां पर भी चार सिंह एक दूसरे को पीठ सटाए हुए बैठे हैं, लेकिन उतनी आकृति सुंदर नहीं है जितनी सारनाथ की है। रामपुरवा से हमें दो स्तंभ मिले हैं, एक पर वृषभ की आकृति है और दूसरे पर सिंह की आकृति हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्तंभ लेख से दो अलग अलग स्तंभों से अलग अलग पशुओं की आकृति मिलती है। तो ध्यान रखना, रामपुरवा जो कि बिहार में पड़ता है, सारनाथ जो कि यूपी में पड़ता है, सांची जो कि एमपी में पड़ता है, फिर आता है संकीसा एमपी में पड़ता है और यहाँ पर हमें हाथी की आकृति देखने को मिलती है। तो आपने देखा सारनाथ का स्तंभ जहाँ पर चार पशुओं की आकृतियाँ हैं, सांची का स्तूप जहाँ चार सिंहों की आकृतियाँ हैं, रामपुरवा जहाँ से दो स्तंभ मिले हैं, एक पर वृषभ और दूसरे पर सिंह की आकृति है, संकीसा से हमें हाथी की आकृति देखने को मिलती है। ये कुछ प्रमुख स्तंभ निर्माण कला के नमूने हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा बरहूत का अगर हम स्तंभ निर्माण कला की बात करें विद्यार्थियों, तो स्तंभ निर्माण कला की अद्भुत नमूने माने जाते हैं। जबकि स्तूपों की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो है पीपरवा। पीपरवा का स्तूप है और पीपरवा का जो स्तूप है विद्यार्थियों, इस पीपरवा का स्तूप उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जबकि सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है वो है विद्यार्थियों सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का जो मध्य भाग है वो सबसे बड़ा स्तूप है, जिसको हम महास्तूप के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां, जातक कथाओं का उल्लेख हमें इन सांची के स्तूप के महास्तूप में देखने को मिलती है विद्यार्थियों। इसके अलावा एक स्तूप और आता है विद्यार्थियों, बरहूत का स्तूप। बरहूत का स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। बरहूत के स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी और यहाँ पर भी हमें बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित कहानियों का संकलन, जातक कथाओं का संग्रह हमें देखने को मिलता है। तो स्तूपों में सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप और सबसे प्राचीन स्तूप पीपरवा का स्तूप माना जाता है। एक निर्माण कला और रह गई विद्यार्थियों, वो है गुहा निर्माण कला। गुफाओं को काटकर जिस आकृति का निर्माण किया गया उसी को कहा गया गुहा निर्माण कला। गुहा निर्माण कला में बाराबार की जो पहाड़ियां थी वहां पर निर्माण करवाया था अशोक ने और नागार्जुनी पहाड़ियों पर निर्माण करवाया था दशरथ ने। बाराबार की जो पहाड़ियां हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर तीन जो गुफाएं हैं वो मिलती है। वो कौन कौन सी है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, सुदामा विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, गोपी वापी बधिक। गोपी वापी और वधिक। इसके अलावा अशोक के काल की एक और गुफा मिलती है, लोमेश ऋषि की गुफा। यहाँ से भी हमें गुहा निर्माण कला के नमूने देखने को मिलते हैं। तो गुहा निर्माण कला के तीन बाराबार की पहाड़ियों से अशोक ने निर्माण करवाया, तीन का निर्माण करवाया, सुदामा विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़। इसके अलावा नागार्जुन की पहाड़ियों से गोपी वापी और वधिक, इन तीन गुफाओं का निर्माण दशरथ के द्वारा करवाया गया। तो ये है आपकी गुहा निर्माण कला। तो मौर्य कालीन कला में तीन चीजों पर हमने ध्यान आकर्षित किया, पहला भव्य राज प्रसादों का निर्माण, दूसरा स्तूप निर्माण कला, तीसरा स्तंभ निर्माण कला और चौथा है आपका गुहा निर्माण कला। आपको इस चित्र के माध्यम से स्तूप निर्माण कला को याद रखना है। इसमें अंड या गर्भगृह किसे कहते हैं, वैष्टनी किसे कहते हैं, वैदिका किसे कहते हैं, चैत्य से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ध्यान रखना, दक्षिणी भारत में पत्थर की चट्टानों को काटकर जिन पूजा स्थलों का निर्माण किया गया उन्हीं का नाम रखा गया विद्यार्थियों चैत्य।
इसके बाद स्तंभ निर्माण कला में मौर्य स्तंभ की आपको पता होना चाहिए, एकाश्मक पत्थर से निर्मित है, अवांग मुखी कम्बल रखा हुआ है, पशु की आकृति देखने को मिलती है, बिना छत के स्वतंत्र व सपाट रूप से इनका निर्माण हुआ है। यह है आपकी स्तंभ निर्माण कला। और गुहा निर्माण कला में ध्यान रखना है, बाराबार की पहाड़ियों पर अशोक ने निर्माण करवाया 3 गुफाओं का, पहला सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण झोपड़। उधर दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों पर गोपी वापी वदती गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आज हमने मौर्य युगीन कला के बारे में डिस्कस किया विद्यार्थियों, समझा। आगे के वीडियोस में हम मौर्य युगीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रीट एग्जाम, स्कूल लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है। और मौर्य युगीन जो कला है आपके पटवार में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, हमारे नव भारतीय स्टडी सर्कल से जुड़े, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके और मोटिवेट हो सके कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जो भी मैंने बोर्ड पर लिखवाया है उसको एक कॉपी में लिखते जाइए विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। मेरे वीडियो को देखने से पहले कॉपी हमेशा साथ में रखें, क्योंकि जो मैं बोर्ड पर लिखवा रही हूँ इसमें एक एक वर्ड आपके पिछले एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं विद्यार्थियों। इसी के साथ आज का वीडियो यही, आगे के वीडियोज में देखेंगे मौर्य युगीन सामाजिक जीवन।